सोजे
तलब सोजे सिद्दीको अली अज़हक तलब जर्रे इश्क़े नबी अज़हक तलब हे मदनी दा मंजूर नजर सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर हे मदनी दा मंजूर नजर सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर कुर्बान थी वे कुर्बान बने हर शाम सहर सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर मखदूमो मोहतशम इज्जत पाक उस्ताज़ुल मोहतरम उस्ताज़ुल असातिज़ा हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब सिद्दीकी नामत बरकातों को मिला लिया। बरादर अजीज पीर तरीकत हजरत अल्लामा साहिबज़ादा पीर सैयद उल हैदर शाह साहब आस्ताना आलिया कोटकुल्ला शरीफ मेरे बरादर मोहतरम बरादर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अज़ीज़ रहमान साहब इज़्ज़त पाक हजरत अल्लामा क़ारी अता मोहम्मद क़ादरी साहब उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़े किराम मेहमानाने किरामी क़द्र खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादराने इस्लाम फजीलत का मेयार किसी शख्स की इज्जत और अजमत का मेयार चंद चीज़ें होती हैं और उनमें सबसे बड़ी शय उसे कहते हैं वफा। बेवफा इंसान किसी भी जगह पर किसी भी मंजिल पर किसी भी मुआशरे में इज्जत नहीं पाता और जिस शख्स की सरिश्त में वफा होती है उससे राजी जात खुदा होती है। और वफाओं को मुश्किल वक्त में तोला जाता है। जब मुश्किल औखा वक्त आता है अपने पराए का पता लग जाता है। वैसे खाली खोली नारे हर कोई लगाता है, सौखे वक्त में हर कोई दाएं बाएं आगे पीछे आता जाता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है बंदे का साया भी साथ छोड़ जाता है। बल्कि साया क्या, इंसान की अपनी आंखें भी फिर जाती हैं। मुश्किल वक्त जब आता है साया तो दूर है, आंख तो अपना ही नूर है। तो जो अपनी आंख का नूर ये भी मुश्किल में हो जाता है दूर। इसलिए सबसे बड़ी पहचान किसी बंदे के किरदार में उसकी वफा है। आप पंजाबी जुबान अच्छी तरह समझते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस मसले को बड़े सौखे आसान लफ्जों में बताया। वो कहते हैं कि औखे वेले कारी आवे, औखे वेले कारी कम आवे, औखे वेले कारी आवे चंगियां दी अशना, अड़ेया आखण दी लज पालन जो इंसान वफा।
वैसे तो जो भी चौक पे खड़ेगा वही कहता है अड़ेगा, अड़ेगा समझते हैं। मैं समझ नहीं आती तो पंजाबी भी आती कि नहीं आती, आइया ना वो वार ली है ना पार ली है विचकार ली है। तो अब ये ठेठ पंजाबी है कि औखे वेले कारी आवे ते चंगिया दी अशनार, चंगा इंसान अच्छा आदमी जिसकी सरेश्त सुथरी हो, जिसका मन उजला हो, जो अंदर से साफ हो, पहचान क्या है? फरमाते हैं अगर किसी बंदे को तोलना है तो मुश्किल वक्त में तोल, सौखे वक्त सारे बजाते हैं ढोल, लेकिन औखे वक्त में खुल जाते हैं बोल। क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो जो बहुत नजदीक आता है वो नजर भी, इसलिए मियां साहब ने तोल के बोला, कहते औखे वेले कारी आवे ते चंगियां दी अशनाई, ते अड़या आखण दी लजपालन, ते जो इंसान वफाई। और इस मसले को और खोला, क्या फलातून बोलेगा, क्या अरस्तू बोलेगा जो मियां जी बोल गए? कहते सुखा ऐशा मौजा अंदर, सुखा ऐशा मौजा अंदर, हर कोई यार कहां दा, सुखा ऐशा मौजा अंदर ते हर कोई यार कहां दा, संगी सो जो तंगी तक के ते बड़े पंचाल दुखांदा। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हुआ करते थे तो एक शेखपुरे का एमपीए था, उसने अखबार में बयान दिया था कि हम नवाज शरीफ के कुत्ते हैं, ये खोते को अब्बा बना लेते हैं, आप कुत्ते को सोच रहे हैं। उसने क्या बयान दिया कि हम नवाज शरीफ के कुत्ते हैं, लेकिन जब मुशर्रफ को डाउन साहब तशरीफ लाया उसने एक ठुचका मियां जी को लगाया, मियां जी होराने डेरा और जद्दे के पार जा लगा है। और वो जो थे मियां जी के कुत्ते वो दूसरे दिन दूसरे दरवाजे पे जा सोते, ये हैं सियासी कुत्ते। मुझे बतलाइए कि ये है वक्त बदलने के साथ, मिनट न लगाया जब सौखा वक्त था तो कुत्ते थे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो दूसरे दरवाजे पे सोते थे। ये है लोगों का बदलना, लेकिन इसको कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है हर किसी का पता लग। मियां जी ने ठीक कहा, ऐशा खुशियां मौजा अंदर, हर कोई यार कहंदा, संगी सो जो तंगी तक के ते बड़े पंचाल दुखांदा। और मियां साहब ने कमाल किया, कहते काले भौर, एक काले 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 भौर अशनाई कर दे ते मिलन फुलां दे ताई। ये काले भमरे देखे हैं, ये मेरी पगड़ी को काला देख के ना समझ लेना कि काले कपड़े वाले ना, काले भमरे जो फूलों पे फिरते हैं, कभी इस फूल पे कभी इस फूल पे, काले भौर अशनाई
करदे मिलन फुलांदे ताई एक डिठा फिर दूजे त्रीजे लेंदे फिरन हमाई ते यारी सच पतंगा वाली शम्मा जली आ चुके फेर न किधरे जावण जोगे लाट अंदर सर मुके ये है वो सच्चाई जो कुरान से लेकर फकीरों ने हमें बताया और ये जो हुजूर के खिदमतगार हैं जिन्हें हम कहते हैं असहाब जानिसार है ये वो हुजूर के यार बाबकार हैं जिनको जांचने परखने वाले खुद परवरदिगार जिसको आप परखें आपका पैमाना गलत अगर आप मुमतहिन बने एग्जामिनर बने आप गलती खा सकते हैं क्योंकि आपने वर्ग के ऊपर लिखा तक ना है ये कोई पता नहीं उसने नकल लगाई है किताब सामने टिकाई है लेकिन मुमतहिन अगर खुद खुदा हो और बताने वाला कलाम खुदा हो ले आने वाला जिब्रील बासफा हो और हम तक पहुंचाने वाले खुद मोहम्मद मुस्तफा कुरान मजीद और 26वां सिपारा सूरह हुजरात है रहमत की बरसात है इस कुरान की क्या बात है अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब ये जो तेरे दाएं बाएं तेरे गुलाम तेरे खुद्दाम है या अल्लाह कैसे है फरमाया मुझसे पूछ किसी अंदर के गंदे से ना पूछ किसी नफ्स के बंदे से ना पूछ किसी झूठ के पलंदे से ना पूछ पूछना है अपने खुदा से पूछ या अल्लाह ये कैसे है ये सब जैसे है फरमाया सब कैसे है मौला क्या ये सब जैसे है फरमाया ना उलाएक लजी नम तहन अल्लाह कुलूबहुम ये नहीं फरमाया हमने इनकी आंखों का इम्तिहान लिया है देखते की ना ये नहीं बोला हमने इनकी जुबान का इम्तिहान लिया है बोलते ठीक है क्योंकि बालों का लोग देखते ठीक है बोलते ठीक है लेकिन अंदर से लीक है नहीं समझे ये मन से लीक है ऊपर ऊपर से ये ठीक है अंदर से ये कुछ कुछ लीक है अब मौला ये अंदर से कैसे है बाहर से तो सारे सोने होते पोचा पाची करके बाहर से तो सारे सोने होते हैं फरमाया बाहर का तुम्हें इतबार है और जो नजरे परवरदिगार है वो उर्वार है वो पार है देखते हैं तू पार तक देखता है कैसे है फरमा सुन ये मोती है इन्हें चुन सारे तकदीर सारे 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 तहकी उला एक लजी नम तहन अल्लाह कुलूबहुम आप मुझे ये बताएं उस्ताद मेरे भी हमारे उस्ताद तशरीफ फरमा है हमें पढ़ाते हैं पढ़ाते रहे हैं इनसे पूछे सबसे पूछे शरीयत का हुक्म जाहिर पे लगता एक बंदा बीवी को कहे मैंने तुझे तलाक दी तभी चूंकि मेरे दिल दे में कुछ भी नहीं तो हुई कि नहीं हुई हो गई क्यों हो गई मुफ्ती साहब घुटना रख के कहेंगे असि तो उतो देखना
اندر اللہ جانے سے بندہ جانے. مسئلہ یہی ہے کہ حکم سارے پہ لگتے ہیں. رب نے بولا مدنی میں نے ان کا باطن دیکھا, میں نے خود امتحان اللہ قلوبہم, میں نے ان کے کارے قلب ان کے دل کی گہرائی میں جھانک کے دیکھا مولا کیسے ہیں. فرمایا لتقواس ہے عام ہے یا خاص ہے؟ کیوں جی؟ امتحان اللہ قلوبہم لتقوا. مولا ان کے لیے کون سی ڈگری ہے؟ امتحان تو تو نے لے لیا تو امتحان کے بعد جاری کی جاتی ہے ڈگری. جن کو تم نے ممبر بنایا ہے, لاہور اور اسلام آباد پہنچایا ہے, یہ ٹپر تو اکثر جعلی ڈگریوں والا, کیونکہ ان کے امتحان لینے والے کمزور ہیں. اب بے موسم کر رہے شور ہیں, کچھ اسلام آباد کچھ لاہور ہیں, ان میں کچھ مور کچھ چور ہیں, لیکن جو سچے ہیں وہ غور ہیں. تسی لگتا کہ سارے ممبر بیٹھے اس سے محسوس نہ فرمائے, یہ تو باتیں سیدھی اسمبلی میں آ چکی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان کمزور لوگوں نے لیا, ڈگریاں جاری کر دی جاری یا اصلی, لیکن نبی کے غلام وہ ہے جن کا امتحان رب نے خود لیا. امتحان بھی نظر کا کان کا زبان کا نہیں دل کا لیا, اروار کا نہیں پار کا لیا. پھر ڈگری جاری کی, مولا یہ ستارے سے پاس ہے یا مدنی پیارے سے پاس ہے؟ کیونکہ جو ستارے سے پاس ہوتے ہیں وہ ریتی پاس ہیں, لیکن جو نمبر لے کے پاس ہیں وہ مدنی کو راس ہے. اس لیے رب سے پوچھو مولا کوئی ناکام. فرمایا میرا نبی واحد تیری کلاس ہے, ایک بھی فیل نہیں پوری کلاس پاس ہے. لفظ میرے ہیں مفہوم قرآن کا ہے, اولئک هم المفلحون, ایک بھی ناکام نہیں کیونکہ پڑھانے والا تو ہو. جو فارغ التحصیل سعودی عرب ام القرآن کا وہ فیل نہیں ہو سکتا, جو دیوبند سے فارغ ادھر ادھر سے فارغ وہ ناکام نہیں, جو قوم ایران سے فارغ جو بریلی سے فارغ, یہ بڑے پڑھے لکھے, اور جو محمد عربی کی یونیورسٹی سے فارغ, جو سینہ نبوت سے لے اس میں کوئی کمی. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے علمنی ربی جد ہویا, اس ریتری زبان میں علمنی ربی جب ہویا شرع مسائل مکڑے, اے ادبنی ربی جب ہویا فاش تھے مجھ لکڑے, تے ایراہوں مول نہ مڑ سامے بھاوے سر تھی وے سو ٹکڑے. فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکڑے. اللہ منی ربی نبی وہ ہے جسے ڈائریکٹ رب نے پڑھا, اور اصحاب وہ ہے جنہیں ڈائریکٹ خود نبی نے پڑھا. اس لیے رب نے فرمایا میرا نبی میں رب گواہی دیتا ہوں اولئک هم الصادقون. روئے زمین پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ایڑیاں اٹھا کے دعویٰ کرے کہ جتنا میرے اندر پڑھے ہیں سارے بلندی کے زینے پہ چڑھے ہیں.
कोई है कोई यूनिवर्सिटी जो ये दावा करे कि जो इस इदारे में आया है हर एक बुलंदी पे, ना कोई पांचवी में गिरा, कोई आठवीं में गिरा, कोई दसवीं में गिरा, मास्टर तक नसीब वाले पहुंचे। इसलिए कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये दावा कर सके कि मेरे अंदर पढ़ने वाले सारे पास, लेकिन एक इदारा है जिसका पढ़ाने वाला मदनी प्यारा है। उसका ये अनोखा नजारा है कि जो भी उसमें आया है रब ने नारा लगाया उलाए का हिज़्बुल्लाह। इसलिए जिनका इम्तिहान अल्लाह ने लिया और फिर डिग्री जारी की, क्या फरमाया, लहुम मग़फ़िरतुन। मेरा नबी जितने तेरे खुदाम है, जितने तेरे गुलाम है, पूरी इंसानियत के इमाम है, ये नामे हमारे तेरे नाम है। इसीलिए हुजूर ने दिए पैगाम है अस्हाबी का रुजू, वो खुदा बोल रहा है, ये मुस्तफा बोल रहे अस्हाबी का रुजू। फरमाया लोगो तुम काली रात में फिर रहे हो और मेरे सहाबा सितारे, तुम्हारी जिंदगी तारीकी में है और मेरे सहाबा इस दुनिया में सितारे हैं। और सितारे कैसे प्यारे, फबे अय्यहिम इक्तदहतुम, जिसके दामन पे हाथ लगाओगे किनारे तक जाओगे। इधर नबी की सनत, उधर खुदा की सनत, हो गई हद। और अगले पिछले अनुसार इसको कहते घोड़ कुंवार राजी थे, क्या करे थी मौलवी का जब अल्लाह भी खुश, बल्कि अल्लाह ने फरमाया लकद रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज युबायिउनका तहत शजरते, मेरा रसूल लकद कसम है हम खुश हैं। अल्लाह कसमे लाकत, लाम जबर वाला आ जाए तो इसको उस्ताद फरमाते ये ताकीद का फायदा देता है, और कत ये भी ताकीद का फायदा देता है, और ताकीद कसम की जगह होती है, गोया रब बोलता है कसम से। और रादिया माजी का सीगा है, ये भी कसम का फायदा देता है, रब बोलता है कसम से। जिन्होंने उस दरख्त के नीचे अपनी जान का सौदा तेरे हाथ किया है उन्होंने रब को राजी कर लिया। या अल्लाह ऐवे राजी हो गए हो कुछ वेख चाक के, फरमा फालेमा माफी कुलूबे, रब ने इनके दिलों में देखा, वहां भी दिलों का इम्तिहान, यहां भी दिलों का इम्तिहान, एक भी नहीं नाकाम, सारे कामयाब। इसलिए फरमाया मेरा नबी लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, सारे बख्शे हुए हैं, सारे अज्र सवाब के हामिल हैं। मौला कितना दिया सवाब इनको, फरमाया ये सारी दुनिया कलील है, ये 14 तबक कलील है, जो इनकी झोली में डाला वो अजीम है। यानी जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। और याद रखे रसूले पाक ने बोला था मेरी उम्मत ध्यान रखना कहीं मेरे यारों से मुकाबला ना कर, तुसा किथा ते असा किथा पैगियां लमियां लमियां विथा।
तुम्हारी औकात कहां, उनके हालात कहां। हुजूर ने लैन खींची हमारे और उनके दरमियान, फरमाया तुम में से कोई गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कितना ही साहिब कमाल हो, फरमाया तुम ओहद पहाड़ जितना सोना बेरिया अल्लाह की बारगाह में खर्च करो। ओहद पहाड़ 7 मील पे फैला हुआ पहाड़, कितना बड़ा पहाड़ है, पर मैं 7 मील पे फैला पहाड़ तुम इतना सोना खर्च करो, और मेरा एक अदना सहाबी एक मुठ गंदम जाओ, एक मुश्त जाओ खर्च करे, तुम्हारा पहाड़ सोने का थल्ले थल्ले, उना भी मुठ जाओ बल्ले बल्ले बल्ले। अब आप बताएं हजरत शेख मुहक्किक बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद, आप फरमाते हैं लोगों तुम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हो। फरमाया कि सहाबी उस खुशनसीब को कहते रहे जिसको ये शर्फ हासिल है। फरमाया कि अगर वक्त का कोई कामिल गौसुल अकबर 40 साल तक रात दिन अल्लाह को सजदे करे, 40 साल तक एक पल न सोए, पल पल रोए, और सहाबी कौन है, फरमाया जो एक उचकती नजर चेहरा ए बद्दुआ पे डाले। फरमाया वक्त के गौसुल अकवास की 40 साल की शबो रोज की इबादत एक तरफ, और सहाबी की बद्दुआ के मुखड़े पे पड़ने वाली एक नजर एक तरफ, वो एक नजर में वहां पहुंच जाता है जहां वक्त का गौस 40 साल मत्थे खिसाता है फिर भी नहीं। तो तुम्हारी तो 1000 साल की जिंदगी उनकी एक मजलिस को नहीं पहुंच सकती, कहां तक टेल लगाओगे, कहां तक उनके पीछे जाओगे। और इसलिए फरमाया उनमें एक साहिब कमाल है, उसका नाम बिलाल है। मैं पूछ सकता हूं बिलाल का वाल है, और तुम सारे रल मिल के क्या इबादत हमारी, क्या मेहनत हमारी, क्या दीन की खिदमत हमारी बिलाल को पहुंच सकती है। अल्लाह बिलाल की एक अजान को पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती। बिलाल की एक नजर को पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती। वो बिलाल जिसे हजरत उमर कहते हैं हमारा सरदार बिलाल, मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं पुरात पे जन्नत में जाऊंगा, मेरा बिलाल जन्नत की ऊंटनी पे, मैं सैयदुल मुरसलीन होऊंगा, मेरा बिलाल सैयदुल मुअज्जिनीन होगा। मेरे रसूल फरमाते हैं मैं जन्नत में पहुंचा तो बिलाल मुझे आगे नजर आया। वो जो बिलाल है कितना बड़ा साहिब कमाल है, लेकिन बिलाल का जो हाल है सुनिए सर सुनिए। हजरत बिलाल को किसी ने कहा आप तो इतने ऊंचे हो गए, आप तो अबू बकर से भी आगे लगते हो, तो बिलाल रोया। सब किताबों में लिखा बिलाल रोया, लोगों ने कहा हमने तेरी तारीफ की तू रोया क्यों, उसने कहा जालिमो जुल्म न कमाओ, ये हिकायत इतनी ना बढ़ाओ, सिद्दीक से मुझे पढ़ाते हो तो मुझसे सुनो। हजरत बिलाल ने फरमाया तुम्हें क्या पता सिद्दीक कौन है, बिलाल तू बता। हजरत बिलाल के लफ्ज कह रहा हूं, आपने फरमाया इन्नमा अना हसनतुम मिन हसनात अबी बकर।
सारी जिंदगी की बिलाल की नेकियां और ये बनता है वजूद बिलाल। फरमाया मैं बिलाल कौन हूं, मेरी औकात क्या है। इन्नमा अना हसनतुन मिन हसनात अबी बकर। मैं सिद्दीक अकबर की जिंदगी की नेकियों में से एक नेकी हूं। घर जाके सोच, मेरे और आपके दावे गलत हो सकते हैं, लेकिन जो काबे की छत पे खड़ा सदा लगा रहा उसकी बातें गलत नहीं हो सकती। मेरे रसूल ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, मेरा बिलाल जब जन्नत के बीच में जाएगा, तो जब ऐन जन्नत के दरमियान में आएगा, वहां तरंग में आएगा, अज़ान शुरू कर देगा। और जन्नती जन्नती जन्नत में अंगूर छोड़ देंगे, खजूर छोड़ देंगे, हूर को देखना छोड़ देंगे। नबी रसूल सारी कायनात नादरु इला बिलाल। और बिलाल कहते मेरी औकात क्या है। फरमाया अबू बकर की जिंदगी की नेकियां हैं और उन पूरी जिंदगी की नेकियों में से एक छोटी सी नेकी का नाम बिलाल। जिस सिद्दीक की एक नेकी का नाम बिलाल है, उसकी पूरी जिंदगी का क्या हाल है। पल पल जिसके साथ आमिना का लाल है, लिख रखो लोगों लिख रखो। अभी बड़े बड़े सहाबा ऊंचे नाम वाले दुनिया में नहीं आए थे, बिलाल नबी सिद्दीक नबी के साथ थे। आपने गौर नहीं फरमाया मैंने क्या कहा। सारे सहाबा अक्सरियतों में ऐसी है जो दुनिया में नहीं आई, उस वक्त सिद्दीक नबी के रल्ले ते जेड़ा बचपन तो नबी दे रल्ले तक जरा उदी शान दे वल्ले लोग हो गए ने है नहीं चले। नहीं समझते हो, बिलाल कह रहा है मैं तो सिद्दीक की एक नेकी हूं। और सिर्फ बिलाल नहीं कह रहे, जाहिर है हम अंधे हैं, कुछ लोग मन के गंदे हैं, लेकिन जो मन के साहेब नजर हैं, जो साहेब बसर हैं, रखते जो कुछ खबर है। हजरत सैयदना उमर फारूक आप फरमाया करते थे, हाय काश मैं कुछ न होता, मेरी सारी नेकियां सिद्दीक ले जाते और मुझे हिजरत की एक रात दे जाते। हिजरत की और हिजरत की एक रात, जिसकी एक रात का ये आलम है। आप जानते हैं उमर फारूक की नेकियां कितनी है। हदीस पाक में आता है चांदनी रात थी, रहमत की बरसात थी और हुजरे सिद्दीका में नबी की जात थी। सरकार दो आलम ने करम फरमाया, मेरा नबी सिद्दीका ए कायनात के हुजरे में तशरीफ लाया। बीबी ने ऊपर सितारों को देखा, सितारे बड़े प्यारे लगे। बीबी ने कहा लजपाल करम फरमाओ, एक बात बताओ। पर मैं पूछो, अर्ज किया मेरे करीम आप साहेब खबर हो, एक बात बताओ, ये कितने सोने सोने सितारे हैं, तेरे सहाबा भी बड़े प्यारे हैं, कोई ऐसा भी है जिसकी नेकियां सितारों जितनी हो। बड़ा अनोखा सवाल है, थोड़ा दबरों का लेबर से ख्याल है, ये बड़ा अजीब सवाल है। क्या है कि हुजूर ये बताएं, जितने आसमान के सितारे हैं क्या उतनी किसी की नेकियां। ये कंपैरिजन है, ये मुआजना है। और अजीब बात है कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ये जानती हैं कि मेरे नबी को ये भी पता है कि आसमान के सितारे कितने हैं। उनका ये भी ईमान है कि मेरे नबी को ये भी खबर है कि मेरे जो 1,24,000 से ज्यादा ये कतार है, उनमें से एक एक
खबर है इसकी नेकियां कितनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। वरना सिद्दीका के सवाल का मतलब क्या है कि हुजूर एक खबर दो, जितने आसमान के सितारे हैं क्या उतनी भी किसी सहाबी की नेकियां है? तो मेरे नबी फरमा देते नो टोटल। नहीं समझे? उस्ताद से बच्चा पूछता है, उस्ताद जी कितने सितारे हैं? तो हमारी छोटी छोटी किताबियों में लिखा होता है उस्ताद, बेटा कहना नो टोटल, बेटे इसका कोई हिसाब नहीं, कोई शुमार नहीं, क्योंकि सितारों का हमें क्या पता कितने हैं। लेकिन सदके तेरे मैं मदनी मेरे, इधर भी फेरे थे उधर भी फेरे, इथा खुद अब्द सदवे दे उथा हक नाल मिलवे दे, ए दिमागे पूछा कर दे दे ए उल्टी जाल क्या पूछ दी। इधर की भी खबर है उधर भी कामिल नजर है, फिर भी मुल्ला जी कहते बस मेरे जैसा बशर है, कैसा इसके दिमाग में चक्कर है, वरना नबी तो कायनात सारी की रखता खबर। अब हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ, हुजूर फिर बताए ना, आपने फरमाया जितने आसमान के सितारे हैं उतनी तो मेरे उमर की नेकियां हैं। अल्लाह अकबर। अब जाहिर है कि मैं पूछूं उस्ताद शागिर्द से, कोई पूछे कि कामिल कौन है, वो तो अपने ही उस्ताद के कांधे पे हाथ धरेगा। क्यों जी? हर कोई किसी वो लूले लंगड़े काले कलोटे पुत्र था किसी का, तो उससे किसी ने कहा इस कायनात में चांद का टुकड़ा कहाँ है? उसने लूले लगड़े काने फीने वो काले कलोटे पे हाथ रखा, ये है चांद का टुकड़ा। होश के नाखून ले ये होश ना है तो फिर को जापान क्या बना है? उसने कब मेरी नजर से देख, मुझे तो यही सोना लगता। हर किसी को अपने सोने लगते हैं। तो आयशा सिद्दीका के दिल को हल्की सी चोट लगी, मैंने तो समझा था मेरा बाबा, लेकिन आपने नाम उमर का ले दिया है। ऐना हसना तो मेरे बाबा की नेकियां सोना किधर गई? लजपाल नबी ने अगला वरका खोल दिया, जो छुपाया था वो बोल दिया, मोती राज वाला डोल दिया। फरमाया आयशा जितने आसमान के सितारे उतनी उमर की नेकियां, बाकी रही तेरे बाबा अबू बकर की बात, उमर की सारी जात तेरे बाबा की एक सिद्दीक तेरी क्या बात। और फजीलत किसी से पूछनी हो ना तो अपने अपनों को, अब आपको अगरचे मेरी बात समझ ना भी आए तो आप मुंह नीचे करके कहते रहेंगे सुभान अल्लाह, मैं क्या कहा हुआ है? आप कहेंगे सवेरे उस्ताद किबला अब्दुल रजाक साहब फरमाएंगे रात बंदा लाहौर को लाया, उन्हें बड़ा जोर लाया, तो एक बार जुबान अल्लाह नहीं फरमा, मतलब वो सुबह कह सकते हैं। इसलिए समझ हमें आवे ना आवे बंदा है बैठे लाओ सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो ये फजीलत नहीं है कि अपने अपनों को वाह वाह करें, फजीलत ये है कि दुश्मन भी सुने तो कहे वाह, और अगर सड़ के वाह ना कहे तो कहे पता तो चले कि कहीं कुछ हुआ है। तो अब उमर वो है, वैसे एक जर्मन का मुफक्किर गुजरा है, वो कहता है कि अगर उमर जमीन के सीने पर 10 साल और रह जाता तो कायनात के ऊपर से इस्लाम ही नजर आता। ये एक ईसाई ने बोला था, वो मिस्टर गांधी कुफर की आंधी 1930 के आंधी के गांधी के कुतुब में लिखा है कि उसने अपनी जवानों को यूथ को कुतबा दिया था और कहा था लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ उमर। हिंदू ने कहा था, उसने कहा रामा कृष्णा को भूल जाओ, अगर कायनात में तरक्की करनी है तो मॉडल कायनात के लिए उमर। याद रखो अपने तो वाह वाह करते ही है,
मजा तो तब है कि दुश्मन के सीने के अंदर से निकले। और उमर की सारी जिंदगी सिद्दीक की एक रात है। हजरत उमर कहा करते थे, अबू बकर सैयदुना व आता का सैयदुना बिलाल, अबू बकर हमारा सरदार है। हजरत मौला अली अपने दौरे खिलाफत में आप खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते हजरत हैदर एक करार फरमाने लगे, ओ मेरा खुतबा सुनने वालों एक सवाल का जवाब दो, हुजूर बोलो। फरमाया के बताओ मुझे कौन है हुजूर के गुलामों में अश्जा उन्नास सबसे बहादुर। अब यहां अगर मैं कहूं सबसे बड़ा खतीब कौन है, आप कहेंगे दूजे के रसूल दे मैं तू ही है, यही है। लेकिन वहां भी कौम ने यही कहा, उन्होंने कहा कौन है पूरी उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़ा बहादुर। हजरत अली बिन मुर्तजा को सुनने वालों ने कहा अंत या अमीर अल मुमिनीन, आप ही है। फरमाया गलत ना बोलो, ये मोती सजाई के मिट्टी में ना रोलो। उन्होंने कहा फिर आप बताएं। फरमाया जंगे बदर बबा हुई थी, हर तीर का रुख बदली लजपाल की तरफ था, हर तलवार का निशाना सरकार थे, हर काफिर हुजूर की तरफ देखता था कि अगर सालार का सर कट गया तो जंग का पासा पलट जाएगा, लिहाजा सबका निशाना हुजूर थे। और सदा पूजी के हुजूर की हिफाजत पहरेदारी चौकीदारी कौन करेगा। मौला अली कहते हम सोच रहे थे कि सिद्दीक ने बाबू लहराया, फिक्र न करो। और फरमाया नारा भी लगाया और तलवार को बेनियाम सिद्दीक ने फरमाया हम मैदान में लड़ते थे, सिद्दीक मैदान में भी लड़ता था, सरकार के गिर्द भी चक्कर काटता था, जो भी तीर आता सीधा तौर के सामने आता, न शबद नसीबे दुश्मन के शबद हला के तेगत, सरे दोस्तान सलामत के तू तेर आदमारी, तेरे नाम पर मिटाऊं मुझे क्या गरज निशान से, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। हजरत मौला अली रोने लगे, ये कहकर रोने लगे, रोते रोते आपकी दाढ़ियों सुन से तर हो गए। फरमाया ये है सबसे बड़ा बहादुर। और फिर अगला सवाल फरमाया हसन हुसैन के बाबा ने अपने दौरे खिलाफत में, फरमाया लोगों दूसरे सवाल का जवाब दो, फिरौन की कौम का मोमिन अच्छा था या अबू बकर। अल्लाह ये 24वें सिपारे में एक सूरत है कुरान की, उसका नाम है सूरह मोमिन। क्या नाम है? सूरह मोमिन। उसमें आयत है वकाला रजुल मोमिनुन मिन आले फिरौन, वो मोमिन जो आले फिरौन में था उसकी कहानी कुरान में यही है कि जब हजरत मूसा को वो फिरौनी मारते तंग करते जदोकोब करते तो वो ईमान छुपाता था, अपना नहीं बताता था, लेकिन हजरत मूसा की हिमायत में आता था, हजरत मूसा को बचाता था और कहता था अतक्तुलूना रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, ओए उसको मारते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह, उसको मारते हो। हजरत मूसा को बचाता था लेकिन अपना ईमान छुपाता था, किसी को नहीं बताता था। हजरत अली ने फरमाया वो मोमिन था जो अपना ईमान छुपाता था, अपनी अंदर वाली कहानी किसी को नहीं बताता था। हजरत मूसा को उनकी हिमायत फरमाता था
لیکن ابو بکر کے میں قربان اعلن ایمانہ اپنے ایمان کے جھنڈے لہراتا تھا اور قدم قدم پہ نبی پاک کی نوکری کماتا تھا. پھر فیصلہ دیا حیدر کرار نے, فرمایا اور سنو میرے موسیٰ کی ساری زندگی ایک طرف, ابو بکر کا ایک پل ایک طرف. اے مدنی دا منظور نظر, صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھی قربان بنے ہر شام و سار, صدیق اکبر صدیق اکبر. یہ بھی حضرت علی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں تو چھوٹا بچہ تھا, چند مسلمان ہوئے تھے, کفار نے حضور کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے, اور ایک وہ تاریک دن بھی آیا کہ رسول کریم نے حرم میں جا کے سجدہ اپنے رب کو فرمایا. عقبہ بن معیط وہ کافر ظالم آیا, اس نے سرکار دو عالم کے گلے نازک میں کپڑا ڈال کے اس کو پھینچا. سرکار دو عالم پہ ظلم کی حد کر دی, کسی کو جرت نہ ہوئی قریب جاتا, صدیق کو خبر ہوئی دوڑتا بھاگتا آیا, اس سے لڑا اس سے لڑا, یہاں تک کہ عقبہ کو دھکا مار کے ادھر گرایا, سرکار کو رو کے اٹھایا, اور پھر وہی کہا تک تو لونا راجولا ایقولا ربی اللہ. اے بتوں کے پجاریوں, تمہیں پتھر پوجنے میں آزادی ہے, میرے سونے محمد کو اللہ اللہ نہیں کرنے دیتے. اور پھر آگے کیا ہوا, ان ظالموں نے حضرت صدیق کو پکڑا, انہوں نے کہا اصل بنیاد یہ ہے, اصل جڑ یہ ہے. حضرت صدیق کو اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ لہو میں ڈوب گیا, پورا تن زخموں سے چور چور ہوا, قوم نے آ کے بچایا, آپ کے تنے نازک نیم مردہ کو اٹھایا گھر پہنچایا. اب ماں روئے دیکھ دیکھ کے میرا بیٹا ظالموں نے کیا حال کیا, ماں پانی اٹھائے صدیق کے منہ میں ڈالے, میرا بچہ پانی پی, صدیق نے ہونٹ سی لیے, ماں پانی نہ پلا, جا میرے سونے محمد کی خبر لے آ. مفت خرید کرے کوئی سان, مفت خرید کرے کوئی سان, تے نام لوے سجنا دا. یہ صدیق ہے, میں نے کہا نا وفا اوکھے وقت میں, سوکھے وقت میں ہر کوئی ساتھی ہوتا ہے, لیکن جب مشکل وقت آتا ہے سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے, ایسے وقت میں کوئی اصل والا کام آتا ہے. اور ہر اوکھی منزل پہ صدیق نظر آتا ہے, اس لیے سنی نعرے لگاتا ہے, الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. ہمارے لاہور شہر کے ایک بزرگ ناتھ خان گزرے ہیں, کیا بات ہے, سنی جب بھی بولتا ہے قسم سے موتی رونتا ہے. نام وہ بھی تھے چشتی بہشتی, نام تھا حضرت اعظم, وہ کہا کرتے تھے چارے یار نبی دے عاشق, ہم ایک دو تین چار, ہم کہتے سار اللہ, چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں نہ چارا ورگا, نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ یارا ورگا, نہ کوئی ہویا نہ کوئی
ਹੋਈ ਇਨਾ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰ ਵਰਗਾ ਆਦਮ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਦੀਕ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਆਦਮ ਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ये जो हजारा कहा है ये सिर्फ शेर को सजाने के लिए कहा है, वरना अगर शेर ही जरूरत ना होती तो फिर कहना पड़ता कि आदम शान सिद्दीक की पूछ मैं इको यार अरबा खरबा वर्गा। बल्कि सारी कायनात एक पासे सिद्दीक दी कली जात, एक पासे सारी कायनात वाली रात। कोई मुकाबला करे खाली नारे लगाने और है, और वहां तक मसले जाने और है। इसलिए अब ये कर रहा हूं कि मुश्किल वक्त में दोस्त दुश्मन का। अल्लाह ताला भी कुरान में यही फरमाता है, अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फतह व क़ातल उलाइक अअज़म दर्जतन इंदल्लाह। फरमाया एक वो है जिन्होंने औखे वेले, मक्का फतह हुआ बाद में तो सौखा वेला आया, औखा वेला कब था? इक्का दुक्का नबी का यार जब था, जब हजूर का कोई नाम लेता था काफिर पकड़ के लिटाते थे, हाथों में मेखे गाड़ देते थे, हाथों में मेखे गाड़ देते थे, जुबान को पकड़ के गरम गरम सलाखों से दागते थे। कोई उस मौसम में नाम ले तो मैं जानू। इसीलिए फरमाया सबसे पहले जवानों में मेरे नबी के पीछे सिद्दीक खड़ा। इसलिए हुजूर से उम्र में 2 साल छोटे थे सिद्दीक, सफर में भी साथ, हजर में भी साथ, तिजारत में भी साथ, पल पल साथ, लम्हा लम्हा साथ। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कितना अजीम नाम है। चलो मौलवी साहब तो कुछ असबियत से काम लेगा, इकबाल को तो वो तो कहता है कि हजरत इमाम का जिक्र करता है तो कमाल से। तो पूछो हजरत इकबाल से, वो कहते हैं हिम्मत किस्ते मिल्लत राज मगर सानिये इस्लाम ओ गारो बदरो कब। है कोई सिद्दीक जैसा पूरी कायनात में तो लो, सानिये इस्लाम। जब हर कोई हुजूर को छोड़ रहा था तो सिद्दीक मदनी से रिश्ते पक्के जोड़ रहा। हजूर ने पूछा था साहबा से, पूछा था मियां अपने मन की बोली बोलो। किसी ने कहा हुजूर मुझे गर्मी के रोजे बड़े पसंद है, किसी ने कहा सरकार आधी रात की नमाज पसंद है। मेरे नबी ने देखा पर मैं बाबा सिद्दीक तू भी बोल। अब सिद्दीक क्या बोला, कहा लजपाला मेरी बोली एक नहीं तीन है, आप रहमतुल आलमीन है। मैं बोल दे तीनों मंजूर है, आप हमारी आंखों का नूर है, बोल दो। सिद्दीक ने बोला हुजूर पहली बात ये है कि दौलत कुल्ली तौर पे मेरी हो और मिल्कियत सारी तेरी हो। आप सारे समझदार हैं। वो कहते हैं कि दमड़ी जाए ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। पैसों का जब मामला आता है तो छोटा बच्चा भी सियाणा हो। छोटे बच्चे को एक मरतबा 5 रुपए दे फिर वापस लेके दिखा, वो भी कहता ना ये मेरे नहीं, जो अपने अब्बे की जेब में कहते ये भी मेरे हैं। लेकिन अगर अब्बा कहे बेटे को ये हमारे हैं, वो कहता ना मेरे हैं। अब्बे को भी अपने 5 में शरीक होने देता है। अगली बात अहिस्ता कहने वाली है, जो जिंदगी का साथी होती है वो बीवी होती है। लेकिन बीवी जो सब कुछ कुर्बान करती है और फिर जब घर की बात अतीत खामद को कहती है ये घर हमारा है, ठीक है ये सब कुछ हमारा है,
लेकिन जब अपने वो अम्मा अब्बे से जो जहेज लाती है कहती ये मेरा है, हमें कहते एक ही ये सारा हमारा है और ये तेरा है, ये क्यों नहीं आती, ये भी हमारा, कहते ना कहते मैं अम्मा के घर से लाई। यहां भी मामला लकीर बीबी खेच देती है, मतलब क्या है, मेरा तेरा रहता है, कोई है जो ये कहे कि कुछ नहीं मेरा मेरे घर में, सब कुछ है तेरा मेरे घर, कोई नहीं कहता, हर कोई सरेकी जुबान में कहते हैं हा प्यार ता लख दी गिरना है। उस्ताद साहब समझते हैं ना, क्योंकि ये विचार रहते हैं तलाकम दोहरे रंग, इधर का भी रंग उधर का भी रंग, इसको कहते हैं तलाकम। अब हजरत गुलहैदर शाह साहब भी मुस्करा रहे हैं, समझे समझते जो जा रहे हैं, दोनों तरफ से फैल पा रहे हैं, इसको कहते हैं कि हा प्यार ता लख दी गिरना है, टूटे प्यार ता हुण पई पई गिर दे। जब तक मोहब्बत कायम थी लाख रुपए का हिसाब जो करने लगे कहने लगे दफा कर, ये भी कोई हिसाब है, इको घर है। जब टूटा तो कहने लगा वो जड़ी परसों तेरे चाह पीवाई और ही लिख, वो जरा पेट तू तेरा किराया मैं दिता हा डंडोर शरीफ था, कोई परसों तो लख का हिसाब नहीं कर रहा था, अब कख कख पे आ गया है, कहता परसों वाली गल हो रे अज अली हो रे, हा प्यार ता लख भी गिनना आई, टूटे प्यार ता हुण पई पई गिन दे, फजर दा थोड़ा अंज गिन दे, शाम जेही निभ गई गिन दे, एक एक चीर की गिन मिण हो रही है, अरशद जान ना दिल जानी, दिल जान सजन सकू कई गिन। इसका मतलब सीधा है कि ये दौलत ऐसी जालिम है, बाप बेटे के सीने पे बंदूक रख देता है, मेरा हिस्सा, लड़ते हैं कि नहीं हर घर में झगड़ा, बेटियां बाप के मुकदमे कर रही है, बाबा हमारा हिस्सा, लेकिन सुनो सिद्दीक का किस्सा, सारे बड़े बड़े पैसों पे आले नबी पे जाते हैं, लेकिन सिद्दीक की हसरत क्या है, कहते लजपाल पहली हसरत है दौलत मेरी हो मिल्कियत कुल्ली तौर पे तेरी, मैं दूसरी हसरत क्या है, कहा हुजूर बेटी मेरी हो दोनों जहां में जौजा तेरी हो। सिद्दीक तीसरी हसरत तमन्ना, कहा हुजूर नचोड़ यही है क्या, कहा अन्नद्रो इला वजहे का या रसूल अल्लाह, इसका तर्जमा मैं रली मिली जुबान में करूंगा, फरमाया साईं पूछेया सोने नबी साईं पूछेया असहाब कोलूं दसो दुनिया ते केड़ी चीज होवे, सिद्दीक आखे कुर्बान थीवा तेरी दीद होवे मेरी ईद होवे, सिद्दीक आखे कुर्बान थीवा तेरी दीद होवे मेरी ईद होवे, और हो कोई ना गुफ्त शुनीद होवे बस मेरी ईद। ये सिद्दीक है, और ये मत समझना कि सिर्फ कहा है ना, जो कहा है वो करके दिखा दिया, बहुत प्यारी चीजें होती हैं मेरे दोस्तों। मेरे हजूर खुद फरमाते थे, आप फरमाते मां नफानी मालो अहदिन कत्तो मां नफानी मालो अभी बकर, पर मैं दुनिया वालों जितना अबू बकर की दौलत ने मेरे दीन के मामले में मुझे नफा दिया है, दुनिया में किसी ने इतना नफा मुझे नहीं दिया।
और फिर अगली बार तो मेरे हुजूर फरमा रहे थे, फरमाए लोगों जिसने भी हम पे एहसान किया हमने हर एक का बदला दुनिया में चुका दिया है, ताकि नबू बकर के एहसानात के बदले दुनिया के पल्ले में रखा क्या है, क्यामत का दिन आएगा अबू बकर के बदले रब चुकाएगा। ये है सिद्दीक का फख्र, ये है उसकी अजमत जिसको नबी बोल रहे हैं। मुझे क्या पता, आपको क्या पता, पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह रोते थे, कहते थे रात अंधेरी घुमन घेरी दरिया ठठर मारे ओ की जान सार असादी जेरे रहन किनारे। हम क्या जाने के सिद्दीक का, वो तो उनसे कोई पूछे शबे हम की सख्तियां, कोई उससे जाके पूछे तेरी राह तकते तकते जिसे सुनो। मुश्किल में जब होता है ना बंदा, उस वक्त अधेरे अधेरे की जरूरत होती है, पाई पाई की जरूरत होती है, लेकिन सिद्दीक ने जब सरकार दो आलम की हां में हां मिलाई तो सारी दौलत हजूर के नाम पे लूटा। 40,000 उस वक्त नग्न था उनके पास, गिन गिन के एक एक लगाया, और फिर सरकार ने सिद्दीक अकबर के माल को, हदीस पाक में आता है हजूर जब सिद्दीक का माल खर्च करते थे, सिद्दीक का समझ के नहीं करते थे, अपना समझ के करते थे। पर जिस दिन बिलाल को जालिमों ने जुल्म का निशाना बनाया, बिलाल के सीने पे भारी पत्थर पड़े थे, नीचे बहते हुए अंगारे थे, बिलाल का बदन जल रहा था, चमड़ी जल चुकी थी, गोश्त जल रहा था, और ऊपर कोड़े मारते थे काफिर, लजपाल नबी जो गुजरे पलकें भीग गई, हुजूर रोए कोई होए जो मेरे बिलाल को छुड़ाए, रोते रोते हुजूर पहुंचे घर, पड़ी सिद्दीक की नजर, आज मेरे लजपाल को किसने रुलाया, पता चला बिलाल को तड़पते देखा हुजूर ने, रोए हैं सरकार, सिद्दीक दौड़ते दौड़ते जा पहुंचे बिलाल के गले में रस्सियां, पांव में रस्से, कोई इधर खींचे कोई उधर खींचे, चमड़ा फटा हुआ जिस्म कटा हुआ, बिलाल मजबूर पड़ा हुआ। सिद्दीक अकबर ने कहा भैया जालिम ज़ुल्म न कबा, वह बंदा है तरस का, उसने कहा इतना तरस आता है तो ले जा। आपने फरमाया बोल क्या लेगा, उसने आपसे सवाल किया जो आपका एक कारीगर गुलाम था खूबसूरत था, उसने कहा फुस्ताद मुझे दे दे ये ले ले। सिद्दीक तो आज अटल करके आया, आखिरी शक्ल करके आया था, वो तो दिल में तय करके आया था कि जिंदगी भी लूटी तो लुटाऊंगा, यार को खुश फरमाऊंगा। कहा बांग, उसने कहा फुस्ताद गुलाम दे, पर मैं दिया। उसने समझा लगता है इस काले का इस पे कोई एहसान है, उसी के बदले में ये दान है। उसने कहा सिर्फ वो गुलाम नहीं है, उसकी बीवी भी दे फिर दूंगा, फिर मैं वो भी दी। अल्लाह इतनी जोश, उसने कहा उसकी बेटी भी दे फिर मैं वो भी दी, उसने कहा 200 नकद भी दे फिर मैं वो भी दिया, उसने कहा इतना सोना फिर मैं उसका नहीं रोना वो भी दिया। बगले बचा रहे हैं, कहते हैं लुटता जा रहा है वह कटता जा रहा है, आज अबू बकर को होश नहीं, सब कुछ इस निकम्मे काले के लिए लुटा रहा है, लेकिन सिद्दीक तो अंदर नाले लगा रहा है, मेरा यार इंतजार फरमा रहा है, वो तो मदनी को मना रहा है, वो तो आज बड़ा सौदा फरमा रहा है, बड़ा सौदागर है ये कायनात के बाजार का। अल्लाह अकबर, जब बिलाल को सब कुछ लुटाया, बिलाल को उठाया बगल में लगाया, लेके मदनी की खिदमत में आया, जब सरकार की नजर पड़ी हुजूर ने देखा बिलाल को, सदियों के पिछड़े आन मिले हैं,
ईद कदा यार मिले जदा, जब हुजूर की नजर बिलाल पे पड़ी, हुजूर उठे बिलाल के लिए, बिलाल दौड़े हुजूर की तरफ, सरकार ने सीने से लगाया, इधर भी जख्म इधर भी जख्म, बिलाल को रोया, लजपाला बहुत मारा मुझे जालिमों ने, ये भी जख्म है ये भी जख्म है, मेरे नबी हाथ भी लगाते थे, दुआ भी देते जाते थे, अल्लाह अकबर, अब सरकार पूछते थे अब तो ठीक है। इसको कहते अज लंघई सही घर उजड़ी दे, अज लंघई सही घर उजड़ी दे, मुझे तू अज रोल सका, कोई दर्द नजर दा दर्द नहीं, जख्म तू पट्टियां खोल सका, कोई दर्द नजर दा दर्द नहीं, जख्म तू पट्टियां खोल सका, छोड़ा हाल फकीरी गोदड़ी ते कशकोल सटा, मेरे हथ अरशद कायनात होवे, तेरे नक्श कदम तू घोल सटा। सुभान अल्लाह। अरे दरुद शरीफ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीर अल्लाह अकबर, नारे हैदरी अल्लाह। अब सरकार ने फरमाया अबू बकर बिलाल को तू ले आया, सरकार हमेशा के लिए ले आया, इतना बड़ा सौदा था, सरकार रश्क फरमा फरमाने लगे अबू बकर इतना बड़ा सौदा किया, कुछ हमारा हिस्सा भी रखा, अबू बकर हमारा भी इस सौदे में तो हिस्सा रखना था। अब चोट लगी आशिक के मन में और आग लगी आशिक के तन में और बोला बारगाह सजन में, कहने लगा लजपाला ये जो कुछ मेरा है सारा ही तेरा है, बाकी रहा ये और मैं, माँ तो बंदगाने कुए तो मैं भी तेरा गुलाम ये भी तेरा गुलाम, हम दोनों बिकाऊ माल और तू भी दिया मेरा कालाल, सारा है तेरा माल, माँ दो बंदगाने कुए तो कर्दमश आजाद पर रुए तो। इमाम गजाली ने बात लिखी ये मसला समझाने के लिए कि अबू बकर ने इतना कुछ लुटाया परवाह भी नहीं की एक काले गुलाम के लिए। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं जुलैखा थी ना जुलैखा, जुलैखा बीबी यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बन गए बादशाह, अब जुलैखा ने गुजारा कैसे किया, सस्सी हुई शहीद मोहम्मद रात चल के ते वो बीबी जुलैखा बैठी रस्ते माल के, अब वो रस्ते पे बैठ गई, जो भी बंदा आए वो यूसुफ की कहानी सुनाए और 500 रुपया लेके वो जाए, जो भी आए हजरत यूसुफ की कहानी सुनाए और पैसे लेके, लोग समझदार समझाने आए, ओ बीबी तू तो पागल हो गई है, ये बड़े जालिम लोग हैं झूठी कहानियां तुझे यूसुफ की सुनाते हैं, लूट लूट के तुझे लिए जाते हैं। जुलैखा हंस पड़ी कहने लगी मुझे भी पता है झूठी कहानियां सुनाते हैं मुझे लूट लूट के लिए जाते हैं, कहा फिर भी लूट रही हो, कहा समझाने वालों मुझे ये बताओ मुझे किसके नाम पे लूट रहे हो। सिद्दीक ने फरमाया अरे मुझे दीवाना ना कहो, मैं लुटा हूं लेकिन मदनी लजपाल की बात पे, इसलिए ये मेरी हार नहीं मेरी जीत है, हमेशा आशिकों की यही रीत है, जब भी मुश्किल वक्त आया है सिद्दीक ने सब कुछ, वो जो जैसे उस रात जब के उस रात का मौका आया था मेरे करीम ने ऐलान फरमाया जो अल्लाह तौफीक दे लाओ, कोई 1,000 लाया कोई 10,000 लाया,
हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने प्रोग्राम बनाया कि आज मैं अल्लाह के फजल से आधा माल सारा ले जाऊंगा, आज अबू बकर से पहला नंबर मैं पाऊंगा। अब अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मैंने दिल में मुकाबले का प्रोग्राम बनाया, आधा माल सारा उठा के मदनी की खिदमत में लाया, अंदर से बड़ा मुस्कराया, आज मेरा वारा, आज हमने झंडा बड़ाई का लहराया। लेकिन पता नहीं उनको किसने बताया, उन्होंने आते ही फरमाया, माँ अब कहता ले आले का या उमर, उमर कोई घर आने वास्ते की छड़ के आया। मैं आके पता नहीं ने बताया, ये तो अंदर की बात समझ रहे हैं। मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा सरकार आधा उनके लिए आधा अल्लाह रसूल के लिए। सरकार जेरे लब मुस्कराए, इतने में सिद्दीक सोने आ और कठड़िया कांधों पे उठाए, आगे टिकाया, महबूब मुस्कराया, लगता है इधर भी खबर है। फरमाया मां अब कहे तले आले का या अबा बकर। छोड़ा और तो किसे को नहीं पूछा, या मेरे तो पूछा या, क्योंकि मुकाबले का सोच के मैं आया, हजूर ने और किसी को छेड़ा ही नहीं, मुझे फरमाया आज मेरे सिद्दीक तुम्हारी लेके दिखा। पहले मुझसे पूछा, फिर सिद्दीक से पूछा, सिद्दीक जो आया टाट, पुराने टाट लपेट के, और ये जो ये खजूर के थूहे कांटे उन टाटू को लगा के, जो तन के कपड़े थे वो भी गठड़ी में रख के, झाड़ू दे के घर में सारा उठाया, गठड़ी बांध के मदनी की सब ने टिकाया। अब महबूब ने फरमाया मां अब कायदा ले आले का या अबा बकर। अबू बकर घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, दर वालों के लिए कुछ छोड़ा, उसने सिर हया से झुकाया, सर को झुका के बोल के बताया, अब कहे तो लहुम अल्लाह व रसूलहू, तू जो मेरा है मैं बेसरो सामा ही भला, मेरा सरोसामा तू है, मेरा करीम मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए तेरी जात और अल्लाह की जात काफी है, बाकी मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरे फर्ज फरीजे हज ज़कात सौम सलात अज़ान भी तू। जब सरकार ने ये फरमाया, सिद्दीक ने ये बताया, हजरत उमर कहते हैं असा फिक्के हैं उनके सिर झुका, फिर समझ नहीं आया, असा उठे ही नारा लाया, लै खुदाया अज असा भी फैसला फरमाया, और कोई नहीं जमीन पे जाया जिन्हें सिद्दीक तू कदम बताया। पता नहीं तुम समझ आया कि नहीं आया, आया माशाल्लाह, अल्लाह के बारह बज गए जी, और की प्रोग्राम सवेरे जुम्मा है तो कम लम्मा है, अल्लाह अल्लाह का फजल। अब जरा गौर फरमाया, हम जरा नेड़े लगाए मतने को, कि मैंने कहा जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, सिद्दीक ने सबसे आगे नारा लगाया है, अब मुझे समझ नहीं आता, जब कुर्बानी का वक्त आए वहां गर्दन सिद्दीक आगे बढ़ाए, और जिस लोगों ने सिर्फ खाए ही खाए, हमारे हमसाए थोड़ा अल्लाह ही समझाए, बड़ी अजीब तमाशा है। अब मस्जिद नबवी का देखो, जब पहली मर्तबा सरकार ने मस्जिद नबवी का सौदा फरमाया, महबूब ते होने ही आया, अब किसे कहे पैसे दो मस्जिद के लिए, सिद्दीक लजपाल ठीक आया, नहीं समझा। अब
आपकी अब हजरत उस्मान गनी अभी दुकान शुकान बनाएंगे, बाजार जाएंगे, पैसे कमाएंगे तो फिर लगाएंगे, लेकिन अब फौरन खर्चा बनाना है तो न दाएं देखा न बाएं देखा, बस इधर जो नजर को टिकाया सिद्दीक नजर आया, महबूब ने इशारा फरमाया, उसने कहा फिक्र न करें, आया फरमाया इसीलिए सरकार जब एक दिन बैठे थे और हुजूर ने फरमाया है कोई, हजरत अली दौड़े, जी सरकार, फरमाया काम है, हजरत अली बहुत प्यारे थे, फरमाने लगे सरकार समझ नहीं आई, एक काम के लिए आपने कहा है कोई, अबू बकर भी है, उमर भी बैठे हैं, फिर है कोई का क्या मतलब, फरमाया ये तो आंखों और कानों की तरह है, अब सर से आंख कान जुदा होते हैं जो मैं इनको जुदा करूं, अभी भी नहीं समझे। हुजूर एक दिन जा रहे थे, दाया हाथ अबू बकर के हाथ में, बाया हाथ उमर के हाथ में, सहाबा इकराम ने ऐसे जो देखा, क्योंकि सहाबा इकराम ऐसे नहीं देख सकते थे, तिरछी नजर, यानी इसको कहते हैं कि जे मैं देखा वो देखे नहीं, जे मैं ना देखा ते को देखे, कितों में हो जाए नसीब मेरे जे मेरे देखा दे बेच देखे। अल्लाह अकबर। अब हुजूर को हदीसे पाक में है कि तमाम सहाबा हुजूर को आंख भर कर, सिर्फ अबू बकर और उमर को ये हैसियत हासिल थी, ऐसे देखते भी थे, हुजूर को देख के मुस्कुरा भी देते थे और हुजूर भी उन्हें देख के मुस्कुरा देते थे, आखिर महबूब में खुदा का जलाल था, ये सिद्दीक में कमाल। अल्लाह अकबर। सिद्दीक के हाथ में दाया हाथ, बाया उमर के हाथ में हाथ, सरकार जो चले तो रहमत की हवा चले, सहाबा देख के खुश हुए, कहने लगे कि जच रहे ने, सोने पे लग देने, अब सरकार ने जो देखा आपने फरमाया इत्थे भी सोने ते हो सोने हो, हा कदा नुबासो या मल कियामा, हश्र भी चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, मैदान कियामत में भी चलेंगे। अल्लाह अकबर। नसीमुर रियाद में अल्लामा खफाजी लिखते हैं, कल कियामत का जब दिन आएगा, अल्लाह अपने महबूब को मकामे महमूद पे ले जाएगा, फिर मालिक जहन्नम दरोगा जहन्नम मालिक फरिश्ता आएगा, एक मिंबर पे चढ़ जाएगा और कहेगा इन्नल्लाह अमरा दी अन अदफा मफातीहा जहन्नम इला मुहम्मद, अल्लाह ने मुझे आर्डर किया है कि मैं जहन्नम की चाबियां मुहम्मद अरबी के हवाले कर दूं, ले तेरी मर्जी। समय के फिर रिजवान जन्नत ऊंचे मिंबर पे आएगा और कहेगा इन्नल्लाह अमरा दी अन अदफा मफातीहा जन्नत इला मुहम्मद, मुझे अल्लाह ने आर्डर किया है कि जन्नत की चाबियां मेरे अरबी के हवाले कर दे, और फिर जब ये आर्डर आएगा तो आगे कहेंगे लेकिन नबी पाक ने आर्डर किया है कि जन्नत और दोजख की चाबियां ऊपर को ऊपर के हवाले कर दो, और लाटे निकल जाएगी खेल, इसलिए अच्छा यही है सबको मानो सबको जानो। हजरत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते चारे यार नबी दे चार गवहर, वारिस शाह जी बोले हजरत शाह जी वारिस शाह जी, शादियों का मसला है ना, शाम का तो सारा मसला है, तो फरमाते हैं कि चारे यार नबी दे चार गवहर, पंजाबी का ये पांठा बुजुर्ग है कि चारे यार नबी दे चार गवहर, सब एक तुम एक चढ़ नी, चारे यार नबी दे चार गवहर, सारे एक तुम एक चढ़ नी, अबू बकर उमर उस्मान अली अपने आपो कदे सुहिंदड़े नी, ए जेड़े डंडो तले बंदड़े नी, समझण दे विच कुछ मंगड़े नी, अबू बकर उमर उस्मान अली सब आपो अपने कदे सुहिंदड़े नी, जिन्ना फर्क इना बेच कुछ जाता ओ थुरो हुजूर दे गदरे नी, ये वारिस शाह बोल रहा है। अब जरा आइए ख्वाजा बुला
इमाम फरीद से पूछे कहते बूबकर उमर उस्मान की था बूबकर उमर उस्मान की था किथा असदुल्ला भी शाना किथा हसन हुसैन शहीद बने किथा मुर्शिद फखर जाना बूबकर उमर उस्मान की था किथा असदुल्ला भी शाना किथा हसन हुसैन शहीद बने किथा मुर्शिद फखर जहान आया किथा महबूस महबूब सभे मकबूलां दा सुल्तान फुरू उसूलां दा सुल्तान सरे सुल्तान आया बंदिन बर शकल जहान आया हर सूरत ऐन आयान आया वो मोहम्मद यार खाजा फरीदी वो कहते अबू बकर उमर उस्मान व हैदर रसूलुल्लाह दे यार वाह वाह क्या कहा अबू बकर उमर उस्मान व हैदर रसूलुल्लाह दे यार वाह वाह उस अलीयो फातिमा शब्बीरो शबर मोहम्मद पाक दे अनवार असा तू इश्क आ जीती है बाजी उंदा जीतन असानी हार वाह वाह ओए जिसने भी थोड़ा सा ईमान पाया है उसने सिद्दीक का नारा लगाया है और मियां मोहम्मद बख्श ने भी कुछ फरमाया है वो कहते हैं पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सन पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सन ते पहले यार प्यारे हक जिना दे साने यसने ने इज हुमा फिल गारे यार गार भी है और फिर आखिर वक्त अबू बकर का जब आया था जनाबे सिद्दीक ने रो रो के एक ही पत्नी के प्यार का नारा लगाया था हर देखने वाला घबराया था हर कोई पूछने आया सिद्दीक ने यही फरमाया अब वापसी की उम्मीद ना रखो यार के दीदार के मजे चखो मेरे लिए दुआए खैर करना हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया मेरी बच्ची एक बात बता जी बाबा मेरी बच्ची आज दिन क्या है बाबा पीर है फरमाया जाने वाला सिद्दीक फकीर है क्योंकि आज पीर है इसी दिन लजपाल ने दुनिया छोड़ी थी अबू बकर भी आज ही जाएगा ताकि मरे भी तो यार की सुन्नत पे पांव धर के यही पुराने कपड़े मुझे पहना देना बेटी रोई बाबा गरीब से गरीब बंदा चिट्टे कपड़े पहन के जाता है फरमाया बेटी अगर महबूब राजी तो चिट्टे कपड़े भी कबूल अगर वो नाराज है तो पोशाके भी फजूल शाला ना भी रहे मुझसे रब और रसूल मेरी बेटी यही कपड़े पहना देना अब बेटी को वसीयतें करते करते और मेरे दोस्तों इधर आओ आ गए असहाब साथी यारों मेरा जनाजा जब पढ़ाना मुझे उठाना सीधा जन्नत और बकी ना ले जाना यार के पूछे का फेरा जरूर लगवाना इमाम राजी कहते हैं कि जनाबे सिद्दीक की मैयत को जसद को जिस्म को सहाबा ने उठाया जाके हजूर के द्वारे रखाया और हजरत अली ने नारा लगाया या रसूल अल्लाह हाजा अबू बकर बिल बाब और तौर निभाने वाले वफा फरमाने वाले लजपाल नबी करो कुछ भाल नबी ये तेरा यारे गार सोना कपड़े बदल के चेहरे को छुपा के तेरे पूछे में आया है हमने उसका जिस्म तेरे दरवाजे पे
पे टिकाया है, जो अनुभव करे फरमाते कर्म इन फतह अलबाब, आप पे दरवाजा खुल गया, आप किसी ने लगाया खुद दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, ले ओ यार हमारे रब दे। आज कहां से चले थे, कहां तकदीर ने पहुंचाया है, एक मसला समझ में आया है जो बुजुर्गों ने बताया है, अल्लाह ने जिस बंदे को जहां से बनाया है वहीं पे उसकी कब्र को बनाया है, आज ये मसला समझ में आया है, सिद्दीक ने जहां डेरा लगाया है रब ने उसे उसी खाक से बनाया है। ओए सोने वालों जाग के सुन लो, किस खाक से रब ने सिद्दीक को बनाया है, जहां रब का महबूब आज आराम फरमा है वही सिद्दीक की जलवागा है, ये कमाल वफा है, वहां भी रल्ले यहां भी रल्ले, इथे के दावस चले। अब लोग जब सलाम करने नबी सही को जाते हैं अक्सर भूल के, नहीं समझे, अक्सर भूल के, क्योंकि अरबी इतनी सोनी लिखी हुई है कि अक्सर लोगों से पढ़ी नहीं जाती, सिद्दीक वाले चेहरे वाली जगह पे कह रहे होते हैं अस्सलाम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और नबी से ही को आके कहते हैं अस्सलाम अलैका या सिद्दीक, वो आपस में जा रहे ले तेरे सलाम सानू ते सारे तो हैं। क्या कमाल है, जहां आमिना का लाल है वहां आज सोया हुआ वो इश्क मोहब्बत का शहंशाह है, जहां वजूद मुस्तफा है अभी भी सोच रहे हो वफा क्या है, ये वफा की इंतहा है। अल्लाह पर सवाबाना हो गया है, वाखिर दावाना ने छू चमका तैयार का।
وما
अभी मालूम का नाम हुआ है अक्सर याद से शाहूर अली अभी का नाम शाहूर अली अल्लाह का शुक्र है हमारा मसाले का नाम बहुत उसके लिए मेरे दार मुझे मसाले का ये नाम याद है शाहूर अली का तमाम हाल में मिल रहे हैं अगर किसी का शाहूर जो परेशान कोई इधर प्रवेश करता होगा तो मुझे जिन साथ में इसका अनुवाद इतमाम किया उन्होंने Thank you.